हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास पत्ता गोभी है, कैबेज है। तो आज हम कैबेज का मंचूरियन बनाएंगे जो कि हमारा पास्ता के साथ होगा। तो आज हम पास्ता मंचूरियन बनाने जा रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने एक छोटा सा कैबेज ले लिया है और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो हम इसे कैबेज को कद्दूकस कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो हमारा पास्ता मंचूरियन है उसे हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको बाद में दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने अपना कैबेज को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ एक मीडियम साइज का प्याज, एक मीडियम साइज का गाजर, एक मीडियम साइज का आलू और तीन लहसुन की कली, उन्हें भी हम इसमें कद्दूकस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने गाजर, आलू और प्याज और लहसुन को भी हमने कद्दूकस कर लिया है और ये काफ़ी देखिए सॉफ्ट मीन्स छोटा छोटा हो चुका है। तो दोस्तों, आप इसमें देख लीजिएगा, इसे घर कर अगर इसमें पानी होगा तो आप इसे निकाल लीजिएगा। तो मेरा हल्की सी पानी है, तो आइए हम इसे पहले तो इसके पानी को हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप पानी निकालने के लिए आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे भी इस प्रेस करेंगे तो हम पानी निकल जाएगा इसे। तो आइए, हम पहले तो मैं इसका पानी निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, जो हमने इसमें से पानी भी निकाल चुका हूँ। तो आइए, सबसे पहले तो हम इसमें मसाले डालेंगे। तो हमारे पास मसाले हैं 1 टेबल स्पून हमारे पास लाल मिर्च है, स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 टीस्पून हमारे पास 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है और 1/2 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है। तो इसे हम डाल देते हैं इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें सॉरी 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, क्योंकि हमारा ये स्टू रहेगा, सूखा रहेगा, हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे मंचूरियन का। तो हम 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे, और जब हम मैक्रोनी पास्ता जब हम बनाएंगे तब उस समय हम 1 टेबल स्पून हम उस समय भी सोया सॉस का यूज़ करेंगे। तो आइए, पहले तो हम इसमें आप सोया सॉस डाल लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दिया है। अब हमारे पास यहाँ 2 टेबल स्पून अरारोट है और 1 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है। तो आइए, इसे भी हम डाल के इसे हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो आइए, इसका हम सबसे पहले तो डो रेडी करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने अरारोट डाल के लिए हमने इस तरह से बना लिया है, डो हमारा रेडी है। तो देखिए, इस तरह से हम गोले बनाकर हम इसे हम तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो आइए, अब हम अपना तेल को गरम करते हैं और इसे डीप फ्राई के लिए रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि मैं आज मैक्रोनी मीन्स पास्ता का मंचूरियन पास्ता बनाने जा रहा हूँ। तो जिसके लिए हम सबसे पहले तो तेल को गरम करेंगे ही। तो जब तक हमारा तेल गरम होगा, हमने एक पैन में हमने पानी ले लिया है, उसे हम गरम करेंगे। तो जब हमारा पानी गरम हो जाएगा तो हम यूज़ करेंगे हमारा पास्ता। तो हमने यहाँ 400 ग्राम का पास्ता ले लिया है, तो आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। तो इसे अब हम 7 से 9 मिनट तक ये पक जाती है। तो हम इसे 6 मिनट तक हम पानी में रखेंगे, क्योंकि हम इसे 80% ही पकाएंगे। तो आइए, सबसे पहले तो अब हम इसे भी, जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम इसे भी डाल देंगे ताकि ये पक जाए, हमारा पास्ता भी रेडी हो जाए। तो जो हमारा मंचूरियन है, ये देखिए, हमने इस तरह से गोले गोले करके इसमें डाल रखे हैं। इसे हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये ऑलरेडी मेरा डाला हुआ 3 से 4 मिनट हो चुका है, तो इसे मैं मीडियम फ्लेम पर ही पकाऊंगा। तब तक हमारा देखिए, ये पानी में भी उबाल आ चुका है। मैंने इस पानी में हल्की सी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देता है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। तो आइए, अब हमारा जो पास्ता है मैक्रोनी, उसे हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों, देखिए, हमने पास्ता को इसमें डाल दिया है। इसे हम हल्की सी एक बार चला लेंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक हम ढक के छोड़ देंगे ताकि ये हमारा 80% पक जाए। तो जब तक ये हमारा 80% पकेगा, तब तक हम इसके पास्ते के लिए हम प्याज और मिर्च उसको काट लेते हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारा उधर रेडी होगा तब तक हम यहाँ 2 हमने मीडियम साइज़ के प्याज ले रखा है, उसे काटेंगे। 1 मेरे पास कैप्सिकम है छोटी साइज़ की, और जो हमने
मंचूरियन बनाया था उसका कैबेज हल्का सा मैंने रख लिया था, इसे भी हम डालेंगे। और एक हमारे पास गाजर है मीडियम साइज का और 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं। तो आइए सबसे पहले तो इन्हें हम बारीक काट लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने वेज मंचूरियन को इस तरह से स्टू में ही निकाल लिया है। तो अब हमारा जो मैक्रोनी है जो पास्ता है उसके लिए हमने कुछ काट लिए हैं, गाजर को इस तरह से, प्याज को इस तरह से, और जो हमारा शिमला मिर्च था, हमारा एक शिमला मिर्च था मीडियम साइज़ के उसे काट लिया, हमारा 2 प्याज थी और पत्ता गोभी को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो आइए जो हमारा पास्ता है वो भी उबल चुका है, अब उसे हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरह से मैक्रोनी को पानी में डालकर निकाल लिया है और इसे हमने ठंडे पानी में रख इसे भी अच्छा से धो लिया है। तो आइए इसका पानी के लिए हम गरने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये गरता रहे, तब तक हम बनाते हैं। तो हम एक कढ़ाई ले लिए हैं, उसमें तेल डाल दिए। अब हम इसमें प्याज, जो हमारा लहसुन प्याज और गाजर है उसे हम डाल लेते हैं इसमें। तो दोस्तों मेरा 1 मिनट डाले हुए हो गया है प्याज और लहसुन और जो हमारा गाजर है, तब हम इसमें पत्ता गोभी को डाल देते हैं। पत्ता गोभी के डालने के बाद भी हम 1 मिनट पका लेंगे। तो आप अगर 5 फ्लेम पे बना रहे हैं तो जल्दी ही जल्दी जल्दी आप चलाइएगा, और मैं आज मीडियम फ्लेम पे बना रहा हूँ। तो आइए इसे हम 1 मिनट तक पका लेते हैं, फिर हम इसमें जो हमारा कैप्सिकम है शिमला मिर्च इसे भी डाल देंगे। तो दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, अब हम इतना कैप्सिकम को भी इसमें डाल देते हैं। तो कैप्सिकम डालने के बाद, जो हमारा शिमला मिर्च है इसके डालने के बाद, हम इसमें जो कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाला हमारा कुछ खास नहीं रहेगा, बस 1/2 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है और 1/2 टेबल स्पून हमारे पास लाल मिर्च है और स्वाद अनुसार नमक है, जो कि हम अभी इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों आप इसमें जो टमाटर डाल सकते हैं ताज़े, तो मैं ताज़े नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक छोटा सा है टमाटर, तो उसे मैं बाद में मैं इसे यूज़ करूँगा। फिलहाल मैं इसमें टमाटर का जो पेस्ट है वो मैं टमाटर का पेस्ट हम यूज़ करेंगे इसमें। तो आइए ये हमारा 3 से 4 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट है जो कि मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमने टमाटर का पेस्ट जो था वो भी डाल दिया है, जिसमें मैं 1/2 टेबल स्पून में सोया सॉस यूज़ करूँगा। मैंने ऑलरेडी वेज मंचूरियन के साथ यूज़ कर लिया है, इसलिए मैं अब ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। तो दोस्तों अब मैंने 5 फ्लेम कर लिया है, तो मैं जल्दी जल्दी ही बनाऊँगा, क्योंकि ये जो डिश है 5 फ्लेम बनाने के लिए ही है, आप 5 फ्लेम पर बनाइए। तो दोस्तों अब मैं इसमें जो हमारा पास्ता है उसे भी डाल देता हूँ, और ये पास्ता डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से चला ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पास्ता भी बहुत अच्छा बन चुका है, रेडी हो चुका है। तब हम इसमें अपना मंचूरियन को डाल देते हैं और इसे हम अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद दोस्तों मैं एक जो हमारे पास छोटा टमाटर है, ये देखिए हमारे पास बहुत छोटा टमाटर है, इसे हम काट के ऊपर से रख लेंगे और धनिया पत्ती भी डाल लेंगे। तो दोस्तों टमाटर डालने के बाद आप धनिया पत्ती भी अभी डाल लीजिए, चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो मेरा ये रेडी हो चुका है, हमारा जो वेज मंचूरियन पास्ता है रेडी हो चुका है। तो आइए मैं इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही छोड़ देता हूँ ढककर, तो ताकि इसका जो स्टीम है पूरा स्टीम बन जाए। तो आइए इसे मैं ढक देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद दोस्तों ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा लाजवाब बन चुका है। तो आइए मैं आपको इसे निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा वेज मंचूरियन पास्ता रेडी हो चुका है और ये काफ़ी टेस्टी बना है दोस्तों। तो आप भी बताइए ये आपको रेसिपी कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।